हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम्स किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी को परफेक्ट तरीके से किस तरह से हम लोग बना सकते हैं वो मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चलिए आइए बनाते हैं ग्रीन टी। तो ग्रीन टी को हम सही तरीके से बनाएंगे तभी हम उसका पूरी तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। तो काफ़ी लोग गलत तरीके से बनाते हैं ग्रीन टी। तो हम ग्रीन टी बनाने के लिए, ये हमें एक कप ग्रीन टी बनानी है, तो हम एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखेंगे। और गैस पर रख देंगे। तो इसी में हमने आधी चम्मच ग्रीन टी डाल दी है और इसको हम पकाएंगे। तो देखिए 90% लोग इस तरीके से ग्रीन टी बनाते हैं और पानी में ही ग्रीन टी डालकर और उसको उबाल लेते हैं। ये ग्रीन टी पककर तैयार तो हो जाती है, लेकिन इसको हम जब पीते हैं तो इसका हम पूरी तरह से फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि ग्रीन टी को बनाने का दूसरा तरीका है और ये तरीका बिल्कुल गलत है। हम इस तरीके से ग्रीन टी नहीं बनानी चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी आपको सही तरीके से किस तरह से हम ग्रीन टी बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारी जो ग्रीन टी बनी है ये हमने बनाई है, तो ये है गलत तरीका। अब बनाएंगे हम सही तरीके से। तो गाइस, अब आपने देखा कि जो हमने ग्रीन टी बनाई थी वो हमारा तरीका गलत था। तो अब हम सही तरीके से ग्रीन टी बनाएंगे। तो हमें एक कप ग्रीन टी बनानी है, तो उसके लिए हम एक कप और थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे। और पानी को हम ठीक से उबाल लगाएंगे। और ग्रीन टी पीने से हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। और जिन लोगों को, जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उन लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा भी बहुत कम रहता है। और ग्रीन टी में पॉलीफिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसके सेवन से हमारी हड्डियों में फ़ायदा होता है, हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। तो हमें दिन में कम से कम एक बार तो ग्रीन टी पीनी ही चाहिए। और जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है और वो मोटापे को भी कंट्रोल करती है। तो ग्रीन टी हमें खाना खाने के एक घंटे के बाद पीनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, तो उससे हमारा खाना बहुत अच्छे से पच जाता है। तो गाइस देखिए, हमने ग्रीन टी को सही तरीके से कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमने पानी उबलने रख दिया और ये पानी अच्छे से उबल गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम आधी चम्मच ये ग्रीन टी डालेंगे और इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे। और 2 मिनट के बाद फिर हम इसको छानेंगे। तो गाइस, ये हमने इसमें पानी में ग्रीन टी डालकर रखी थी, तो इसको 2 मिनट हो गए हैं। तो देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है और ये हमारी परफेक्ट ग्रीन टी बनकर तैयार हुई है। तो इसको अब हम छान लेंगे। अगर इस तरीके से हम ग्रीन टी बनाकर पीते हैं तो हमें ग्रीन टी का पूरा फ़ायदा मिलता है। तो देखिए हमारी ग्रीन टी बनकर तैयार हो गई है। और इसको हम अगर इस तरीके से बनाकर पीते हैं तो हमें इसका पूरी तरह से फ़ायदा मिलता है। और यही ग्रीन टी बनाने का परफेक्ट तरीका है। तो गाइस ये देखिए हमारी ग्रीन टी बनकर तैयार है। और आप इस तरीके से ग्रीन टी बनाइए और इसका पूरी तरह से फ़ायदा लीजिए। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।